रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। होम्योपैथी एंड हेल्थ चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज की हमारी टॉपिक एब्राटिनम पर है। आज आपको एब्राटिनम के अलामात, फवाइद, खुराक और इस्तेमाल का तरीका बताएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं होम्योपैथी से मुतालिक अच्छे और मालूमाती वीडियोस आप सबको फराहम कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ सब्सक्राइब नहीं की तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा लें और साथ में बेल वाली आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो से आप सब बाखबर रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी के बहुत से मेडिसिन बहुत से बीमारियों में इस्तेमाल होती है, इस तरह एब्राटिनम दवा भी बहुत से बीमारियों में इस्तेमाल होती है। बच्चों का सूखापन जो टांगों में नुमाया हो, यानी टांगें सूख कर पतली होनी शुरू हो जाती है लेकिन ऊपर का जिस्म मोटा और ताज़ा होता है। सूखापन के साथ साथ भूख भी ज़्यादा होती है। बच्चा खाता पीता टांगों से सूखता चला जाता है। बाई के दर्द और असहाल अदलते बदलते हैं। जब असहाल हो तो दर्द गायब, जो असहाल बंद हो जाए तो दर्द हाजिर। इंतकाल मर्ज में पहली दवा है, मसलन जोड़ों की दर्द दिल की तरफ चले जाए। असहाल बंद हो और बाई के दर्द शुरू हो जाए, बच्चा के दस्त बंद हो जाए और दिमागी अलामात या जिगर गुर्दा की अलामात पैदा हो जाए और नतीजा के तौर पर सूखापन टांगों से शुरू हो जाए। कुन पैर की सोजिश हिस्सियों में चली जाए। बवासीर और बाई की दर्द अदल बदल। अर्ज ये कि कोई भी मर्ज हो अगर बदल कर कोई नई सूरत पैदा कर दे तो एब्राटिनम मर्ज को वापस अपनी जगह पर ले आएगी। दवा की मरकजी अलामात: बच्चों में सूखापन, मर्ज का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना। मददगार दवाएं: आप एब्राटिनम के साथ क्यूपरम, मेटेलिकम और आर्निका दवा आप ले सकते हैं। ये इसके साथ मददगार दवाएं हैं, आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दाफिया असर दवाएं: ये वो दवाएं हैं, अगर आप एब्राटिनम को यूज़ कर रहे हैं तो साथ में चाइना और ओपियम दवा को आप इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल का तरीक़ा: एब्राटिनम को आप 3 से लेकर 30 ताकत और इससे ऊपर ताकत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। आप मरीज़ के कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए आप दवा की पोटेंसी का इंतखाब कर लें। खुराक: एब्राटिनम को आप रोज़ाना 3 दफ़ा 15 कतरे आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें।
दवाई। अगर मंदरजा बाला अलामात आप में हो और आप दवाई लेना चाहते हैं तो आप किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर जाकर ले सकते हैं। कोशिश करें दवाई अच्छी कंपनी का ले तो बेहतर होगा। अच्छी कंपनी के जो मेडिसिन है उसमें ज़रूर वो इफ़ेक्टिव भी होता है और वो आपको मायूस नहीं करने देगा। इसके बजाय अगर आप पैसों की बचत को देखकर किसी लोकल कंपनी के प्रोडक्ट परचेस कर ले तो मैं भी हो सकता है कि आपको वो रिज़ल्ट ना मिले जो अच्छी कंपनी से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। शुक्रिया।